रहे और दुख सुख के भागीदार रहे और आज आप लोगों को निर्णय करना है कि दोनों पार्टी आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस 10 साल से भाजपा की सरकार दिल्ली में है। भाजपा की सरकार ने बीजेपी के नेताओं ने कहा था हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं किसी किसान की आमदनी दुगनी हुई क्या? हुई कि नहीं हुई? उन्होंने कहा था पूरे विदेशों में जो काला धन पड़ा है उसे लाकर आपके खातों में जमा करा देंगे, वापिस आ गया काला धन। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा है, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल हो गया। खाद बीज तेल पानी, आप बाजार में जाओ, ये बाजार में फल फूल साग सब्जी तेल चाय पत्ती चीनी कुछ भी ले लो आसमान छू रही है महंगाई। कम होने का नाम नहीं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था बीजेपी ने, दिए 2 करोड़ रोजगार, 10 साल से राज कर रहे हो, भाषण में भाषण फेर रहे हो। और हम पूछते हैं महंगाई क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए? तो बोलते हैं मंदिर और मस्जिद। हम कहते हैं लोग बेरोजगार हैं, कहते हिंदू और मुसलमान। अरे हम कहते हैं यहां जो 10 साल से लोगों अपने वादे के वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ले देके इनके पास ये 3 है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, चौथा आइटम कोई नहीं। हमारी जब पार्टी सरकार में थी केंद्र में, यहां हम लोग भूल जाते साथियों गांव में भी नरेगा के काम चलते हैं। ये रोजगार का अधिकार का कानून किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे, मैं उनके सरकार में मंत्री था। हमने 70,000 करोड़ रुपया छोटे किसानों का ऋण माफ किया था, 70,000 करोड़ रुपया। हमें लगा कि सरकार के पास अगर धन है तो पहला अधिकार गरीब और किसान का उसके ऊपर है। ये जो बीजेपी की सरकार है 10 साल से सत्ता में, लाखों करोड़ रुपया जो बैंकों का कर्जा था वो चंद उद्योगपतियों का, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा वो सब माफ कर दिया और किसान को दे रहे सम्मान निधि 2,000 रुपए, 2,000 रुपए खाते में ला के एक ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। अरे आपने 2,000 रुपए दे के हजारों लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया कुछ चंद लोगों का, देश की संपत्ति सारी हवाई अड्डे रेलवे लाइन खान के खुराने बिजली घर सब औने पौने दाम में बेच दिया। और सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, आप लोग जागरूक रहो, जो लोग कहते कुछ है करते कुछ है उनके बीच में और उस दल में उस विचारधारा में। मैं हमेशा कहता हूं अगर पार्टियों का आकलन करना है तो नेता देख लो, नीति देख लो और नियत देख लो। नीति नियत और नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का बेहतर है। और सुरेश जी को मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। और दोस्तों जब चुनाव आते हैं तो बहुत से लोग टिकट मांगते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, टिकट तो एक ही मिल सकता है। और पिछली बार बहुत कम वोट से यहां से हम हारे थे तो राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने बहुत सोच समझ कर एक बार दोबारा सुरेश जी को आपका उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे पर बनाया है। और इसलिए बनाया है कि अगर आप सब लोग पूरे 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग अगर अपना दोनों हाथ का आशीर्वाद दोगे और 25 तारीख को हाथ का बटन दबाओगे तो निश्चित रूप से इस जिले में ऐतिहासिक जीत यहाँ कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। आप जानते हो मैं कभी कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता, मैं आलोचना भी करता हूँ।